जनपद साजापुर के नगर खुटार में आरएसएस संचालक ने कराया विशाल गायत्री दीप्य। आपको बताते चले, सहयोग संस्था के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सक्सेना ने अपने आवास पर गायत्री दीप यज्ञ के दौरान आए हुए साधकों से कहा, संसार भर में नाना प्रकार की आपदाएं निरंतर आ रही है, हर साल नए नए संक्रमण आ रहे हैं। इन आपदाओं संक्रमण से हम कैसे निपटें, इसलिए हमें समर्थ गुरु की आवश्यकता है जो हमारा मार्गदर्शन कर सके और हमारा कष्ट कम कर सके। वही आपको बताते चले कि गायत्री परिवार की टीम में डॉक्टर कृष्ण मुरारी शुक्ला, चिरंजी लाल वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। आज यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ, नहीं लगवा दीजिए, वैसे काटा नहीं तो कुछ समस्या नहीं होगी। भाई साहब आपका नाम क्या? नहीं आप कह रहे सुबह का कार्यक्रम एक सब नहीं मिलेगा था, ये स्टोर बंद हो गया ना, इसका लक्ष्य है मानव में देवत्व का उदय, धरती कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कुछ नहीं, इसको लेकर के गायत्री दीप का कार्यक्रम हुआ है। इस गायत्री दीप्य कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य है आपका और क्या समाज में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा लक्ष्य है कि आज जो मानव के अंदर दुर्बुद्धि छाई हुई है, मानव के अंदर सद्बुद्धि आ जाए, मानव के अंदर भाईचारा आ जाए और हर परिवारों में सुख समृद्धि शांति लाने के लिए हमको गायत्री महामंत्र से सभी को जोड़ना है और सभी के जीवन की मंगलमय कामना के लिए ये गायत्री दीप किया गया है। अखंड भारत न्यूज, अखंड भारत न्यूज के लिए अरविंद सक्सेना की रिपोर्ट साझा करें।